कैसे हैं आप साहब? आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी है। और मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो ये हैं। नेस्ले मिल्कपैक की मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम 400 ml, कंडेंस मिल्क मैंने लिया है 1 कप, और ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देखना। बहुत मज़े की रेसिपी है मेरी ये कंडेंस मिल्क की, और बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने इसको बनाया है। और मैंगो जो है वो मैंने लिए हैं 1/2 kg, और इसको मैंने अच्छी तरह से इसका जो छिलका था उतार के और इसकी मैंने इस तरह से प्यूरी बना दी है। और येलो फूड कलर लिया है मैंने आइसक्रीम में डालने के लिए। अब बनाना स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम। हम सबसे पहले बाउल के अंदर ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडी थी। क्रीम मैंने बाउल में डाल दी है, अब इसको मैं व्हिप करूंगी। क्रीम हमारी जो है वो व्हिप हो गई है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, मैंगो प्यूरी भी जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, कंडेंस मिल्क और जो थी मैंगो प्यूरी वो मैंने अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स कर दी है। अब इसके अंदर मैं फूड कलर ऐड करूंगी ताकि आइसक्रीम का अच्छा सा कलर हो, बिल्कुल बाजार जैसा। इसको ही मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें कितना जबरदस्त कलर आया है आइसक्रीम को। ये देखें व्यूअर्स, कलर जो मैंने ऐड किया था वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो गए। सिर्फ जो है मैंने 4 ड्रॉप जो है येलो फूड कलर के जो है वो मैंने डाले हैं, लिक्विड कलर डाले हैं, पाउडर वाला कलर आपने नहीं डालना। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको जो है स्किप कर दें, अगर हो तो डाल दें। अब इसको मैं जो है इस बाउल के अंदर डालूंगी आइसक्रीम को। आइसक्रीम जो है मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दी है, अब इसके ऊपर ये मैं प्लास्टिक रैपिंग शीट है ये लगाऊंगी। इतना से ये लगा देंगे इसके ऊपर। इसको लगाने से ये होगा कि आइसक्रीम के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। रैपिंग शीट इसके ऊपर मैंने लगा दी है, अब इस तरह से इसको ढक्कन से कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और अब इसको रखेंगे हम फ्रीजर के अंदर 1 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह फिर अब कल जब ये आइसक्रीम जब ये सेट हो जाएगी तो फिर जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी बनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, 1 दिन हो गया है और मैंगो आइसक्रीम जो है हमारी वो रेडी है। तो अब मैं इस टिफिन बॉक्स को खोलूंगी और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो आइसक्रीम जो है वो तैयार है। स्कूप जो था उसको मैंने नीम गर्म पानी के अंदर जो है रखा हुआ था ताकि जो है हम इजीली जो है आइसक्रीम को निकाल सकें। ये देखें ये देखें कितनी जबरदस्त आइसक्रीम जो है वो बनी है। ये देखें कोई इसके अंदर क्रिस्टल नहीं है, कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छी जो है वो तैयार हुई है हमारी आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वो मैंने डाल दी है, अब इसके ऊपर थोड़े से ये पिस्ते हैं कटे हुए, इससे हम आइसक्रीम को जो है गार्निश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बनी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना।
इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो आइसक्रीम जो है वो तैयार है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।